25 तारीख को चुनाव है। हम सब लोग लगातार 2 मार्च से मेहनत में लगे हुए हैं। ये मेरा अपना वो गृह क्षेत्र है, मेरी कर्म भूमि है, जिस कर्म भूमि पर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। ये आप लोगों की शुभकामनाएं आशीर्वाद है। छठ मैया का मेरे ऊपर वरदान है। छठ मैया से जब दूसरी बार मांगा था तो मांगा था जब माँ टिकट देना तो जीत भी साथ में देना। तो माँ ने देर लगाई, 2008 से 2024 आ गया, लेकिन पारिक भाई ब्याज समेत दिया। अब ब्याज समेत दिया है और मैं अपने परिवार में हूँ। मेरा परिवार कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन 25 तारीख के बाद मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपको लगेगा कि उस सीट पर आप ही बैठे हैं। कुतुब विहार में कमलजीत शेरावत के समर्थन में की जनसभा। कुतुब विहार में कवियत्री की गायकी मंत्रमुग्ध हो गए लोग। बीजेपी के समर्थन में आई थी जनता से अपील करने। दिल्ली में मतदान के लिए अब गिनती के दिन रह गए हैं और प्रचार का समय भी समाप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में हर तरफ जोर शोर से अभियान चल रहा है। छावला के पास कुतुब विहार छठ घाट पर भाजपा प्रत्याशी कमलजीत शेरावत के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन डॉक्टर शैलेंद्र पांडे की देखरेख में आयोजित किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध कवियत्री और गायिका डॉक्टर अनामिका अंबर जैन पहुंची और उन्होंने लोगों की अपनी भक्ति गीत कविता से मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर पहुंची कमलजीत शेरावत ने भी लोगों का अभिनंदन किया और उन्हें हर वक्त साथ रहने का भरोसा दिया। कहा कि वह सांसद बनती है तो उनके इलाके का हर लोग सांसद होगा, उनका काम हर वक्त पूरा होगा, जैसे कि वह अभी तक करती आई है। आगे न्यूज में देखिए। लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। इतने सारे कार्यक्रम आज क्षेत्र में जनता ने लगाए हुए थे, कार्यकर्ता सभी आज लगे रहे हैं, तो पिछले 10 साल के किए कामों का विश्वास चेहरे पर जनता के नजर आ रहा है और उनका आशीर्वाद। आपके जो समर्थक है आप वो इंतजार कर रहे हैं कौन सी 25 तारीख आएगी और एक नंबर वोटर। मुझे लगता है पूरी दिल्ली इंतजार कर रही है, पूरा भारत इंतजार कर रहा है कि 4 तारीख कब आएगी, और दिल्ली वाले 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में किए हुए कामों को हम कैसे आशीर्वाद दें ताकि अगले संकल्प पत्र में वादे किए हुए पूरे हों। और ये चुनाव देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों की पसंद इसमें बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। 25 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, ये नारा गूंजा हुआ है और एक नंबर पर कमलजीत जी को बटन दबाकर एक नंबर इस क्षेत्र से 42,000 मतदाताओं के बीच का एक कार्यक्रम था गोलाडेरी कुतुब विहार क्षेत्र का, और यहाँ से एक नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट यहाँ से जनता देगी, अपना आशीर्वाद देगी और इनको लोकसभा में भेजेगी। क्या मांग है आपकी मुख्य? हमारा मेन मुख्य मांग आपके सामने रखा ही था कि ऐसे तो बहुत सारे काम हैं जो कमलजीत जी कराएगी, क्योंकि ये वर्षों से काम करती हुई आ रही है, एक जमीनी नेता है बिल्कुल जमीन स्तर से। 2008 में भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट भी मिला था और 2008 से अब तक लगातार तमाम पदों पर रहते इन्होंने काम जो किया है, आने वाले लोकसभा में जीतने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए तो काम करेंगे, लेकिन पूर्वांचल के लिए विशेष रूप से यूपी और बिहार के लोगों को जाने के लिए जो ट्रेन की जो सुविधा का हमने जो मांग किया है कि हमारा पालम से या दिल्ली कैंट से ट्रेन चले और जाने में किसी को दिक्कत ना हो, मुझे 100% हरेंद्र जी ने बताया कि 100% ये पूरा होगा और मुझे भी विश्वास है कि ये मांग बिल्कुल पूरा होगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में अभी तक दिल्ली में हॉस्पिटल का मांग हम कर रहे थे कि हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल जैसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल है और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के बाद 4th हॉस्पिटल केंद्र का अगर खुले दिल्ली में तो दिल्ली देहात के क्षेत्र में खुले, मटियाला विधानसभा में खुले, जिससे लोगों को इलाज कराने में किसी भी प्रकार का धक्का ना कर मुक्का ना करना पड़े, सफदरजंग ना जाना पड़े, इसी क्षेत्र में बढ़िया इलाज मिले। क्योंकि जो घटिया सरकार जो दिल्ली की चल रही है, इंदिरा गांधी के नाम पर जो हॉस्पिटल खुला है, ना डॉक्टर है ना किसी प्रकार की फैसिलिटी है, तो ऐसे हॉस्पिटल को लेकर हम क्या करेंगे। इसलिए केंद्र की तरफ से एक अच्छा हॉस्पिटल कमल जी खुलवाएगी, मुझे विश्वास है। पहली बात तो ये है कि उनके नाम में ही कमल में जीत, मतलब कमल की जीत होनी चाहिए।
दूसरा जिसे इस देश की चिंता हो, जिसे देश में हो रही गतिविधियों के बारे में नॉलेज हो, जिसे ये पता हो कि हम जिसके साथ हैं, जो हमारे साथ जन जन है, उसके दुख क्या है, उसके दर्द क्या है, उन्हें उनका निवारण कैसे करना है, जो अपने दोस्तों को, अपनी जनता को दोस्त मानता हो और उससे कहता हो कि आप मेरे साथ रहें, आप मेरे मित्र बनकर रहे, जिसे इन सब बातों का ज्ञान हो, उसका यहाँ पर होना तय है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने गीत से भी कहती हूँ कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। इसका अर्थ ये है कि जिनकी पार्टी, जो लोग सनातन को जानते हो, राम कृष्ण के धरती पर, भारत की धरती पर जिन्होंने भगवान श्री राम को प्रतिष्ठित किया हो, उनके धाम का निर्माण किया हो, ऐसे में उनका सिंहासन तक आना तय है। और मुझे पूरी उम्मीद है, हम सबको पूरी विश्वास है, उम्मीद तो क्या है, कि यहाँ इस लोकसभा से कमलजीत जी कमल को जिताएंगी। लोकल चुनाव नहीं है ये, इसीलिए मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि देश को चुनाव को समझते हुए कि मोदी को लाना है, इसीलिए हमें कमल का बटन दबाना है। सभी से अनुरोध करती हूँ कि 25 तारीख को एक नंबर जो कि कमल का है, उसका बटन दबाएं और अधिक से अधिक वोट दें और लोगों से दिलवाएं। कमल जीत अपने आप में कमल की जीत है, इसलिए उनकी जीत होगी और मोदी की जीत होगी। जय श्री राम। कमल जीत दीदी के लिए हम सब बहनों ने ठाना है कि कमल जीत दीदी को पूरे भारत में नंबर वन ला के रहना है। इसके लिए हम बहनें डोर टू डोर भी जा रहे हैं और जो काम हमें महिला मोर्चा की तरफ से मिलता है वो काम भी कर रहे हैं और दिन रात प्रचार कर रहे हैं। और बहनें जो भ्रमित हैं उनको भी हम जागरूक कर रहे हैं कि जो आपको हजार हजार रुपए का लॉलीपॉप दिया हुआ है वो सिर्फ इलेक्शन तक है ना, जो वो आपको फॉर्म दे रहे हैं उसमें ना कोई प्रूफ है ना कुछ है। लेकिन हमारे मोदी जी ने अभी आयुष्मान योजना का आयोजन किया है, जिसके अंदर दिल्ली में 70 वर्ष के आयु के जो वृद्ध हैं उनको 5 लाख का बीमा मिलेगा और वो बहुत ही बड़ी सौगात है, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं वो कर दिखाते हैं।